रहना चाहिए यार, राइस या फिर रोटी ज्यादा हेल्दी क्या है? ओ राजमा बने हैं, राजमा के साथ रोटी कौन खाता है? बट राइस खाने से तो वेट गेन होगा ना, बट रोटी में भी तो कार्ब्स होते हैं। राइस कौन सा दूध के धुले हैं, कार्ब्स तो इनमें भी हैं। बट एक रोटी से बनेगा क्या? राइस तो ठीक है, पर तसल्ली तो रोटी से ही होगी। अगर आप भी राइस एंड रोटी को लेके इस तरह कंफ्यूज होते हो, तो चलो आज आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और राइस एंड रोटी के बीच के डिफरेंस को समझते हैं। इस वीडियो में नॉलेज के साथ साथ मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी और बताऊंगी कि मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में राइस एंड रोटी में से क्या चूज किया था और उसको किस तरह कंज्यूम किया था। सो आज इस राइस वर्सेस रोटी की वीडियो में हम जानेंगे नंबर 1 न्यूट्रिशन फैक्ट, इन दोनों में से ज्यादा न्यूट्रिशियस क्या है। नंबर 2 विच इज बेटर फॉर वेट लॉस, एंड नंबर 3 व्हाट इज द बेस्ट वे टू कंज्यूम दिस, मतलब जैसे कि क्या रात को राइस खा सकते हैं, ब्राउन राइस खाएं या वाइट राइस, नॉर्मल रोटी या मल्टीग्रेन रोटी, कब खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं, ये सब कुछ। राइस एंड वीट दोनों ही वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कंज्यूम किए जाने वाले ग्रेन्स में से हैं। इंडिया रैंक्स 2nd ऑन द ग्लोबल राइस कंजम्पशन इंडेक्स एंड 3rd ऑन द ग्लोबल वीट कंजम्पशन इंडेक्स। बट जब हम राइस एंड वीट के न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो देखते हैं कि विनर कौन है। एक मीडियम साइज वीट रोटी को अगर हम वाइट राइस की एक सर्विंग के साथ कंपेयर करें तो कैलोरीज रोटी 130 एंड राइस 106, ऑलमोस्ट बराबर। कार्बोहाइड्रेट्स रोटी 28 ग्राम एंड राइस 22 ग्राम, ऑलमोस्ट बराबर। प्रोटीन रोटी 2 ग्राम राइस 3 ग्राम, ऑलमोस्ट बराबर। फाइबर जो हमें ज्यादा देर तक फुल रखता है रोटी में ज्यादा है, राइस में कम है। स्टार्च जो डाइजेशन में हेल्प करता है राइस में ज्यादा है, रोटी में कम है। मिनरल्स जैसे कि पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम रोटी में राइस के कंपैरेटिवली ज्यादा है, और सोडियम जो कि हमें लिमिटेड क्वांटिटी में लेना चाहिए राइस में कम है। सो हेयर आर द रिजल्ट्स, दोनों के अपने अपने ढेर सारे बेनिफिट्स और कुछ नेगेटिव्स हैं, बट इस वीडियो का पर्पस आपको और कंफ्यूज करना नहीं है। सो लेट्स मूव टू द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कि वेट लूज करने के लिए क्या सही है। मैं बचपन से सुनती आई हूँ कि चावल खाने से वेट बढ़ता है, डिनर में चावल खाना अवॉइड करो, वेट लूज करना चाहते हो तो चावल अवॉइड करो। बट आईनी ये है कि मैंने अपनी 3 months ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के टाइम पे एवरी सिंगल डे चावल खाए थे। एंड इट्स नॉट जस्ट मी, राइस तो पूरे वर्ल्ड में कंज्यूम किए जाने वाला लार्जेस्ट स्टेपल है। इनफैक्ट जिन कंट्रीज में राइस की कंजम्पशन ज्यादा होती है वहाँ के लोग कंपैरेटिवली कम ओबीज होते हैं। चाइना जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट राइस कंज्यूमिंग कंट्री है विद 142 मिलियन टन्स ऑफ राइस कंज्यूम्ड इन 2019-20, रैंक्स ऑन 189th पोजीशन ऑन द ग्लोबल ओबेसिटी इंडेक्स इन 2020। सो डज दैट मीन राइस हेल्प्स इन वेट लॉस, जबकि वीट में ज्यादा फाइबर है, ज्यादा प्रोटीन है जो वेट लॉस के लिए अच्छा है। सो इस हिसाब से टेक्निकली रोटी सीम्स टू बी अ बेटर ऑप्शन। ओके सो डोंट बी कंफ्यूज एंड लेट्स गो अ लिटिल डीपर टू अंडरस्टैंड कि रोटी एंड राइस का चक्कर क्या है। बट इससे पहले आपको कार्बोहाइड्रेट्स की बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स मेजरली 2 टाइप के होते हैं, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स GI लो होता है और सिंपल कार्ब्स का GI ज्यादा होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स इन शॉर्ट मींस कि आपका खाना कितनी जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। सो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का GI कम होने की वजह से वो धीरे धीरे एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और सिंपल कार्ब्स का हाई होने की वजह से वो जल्दी डाइजेस्ट होता है। यहाँ मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लगता है कि जल्दी डाइजेस्ट होना मतलब कि गुड, बट एक्चुअली में जल्दी डाइजेस्ट होना मतलब कि खाना बहुत तेजी से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल्स में स्पाइक्स आ सकते हैं। सो जितना धीरे धीरे आराम से डाइजेस्ट होगा उतना बेटर है, मींस लो GI बेटर इट इज, हेंस कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आर बेटर देन सिंपल कार्ब्स। अब वापस चलते हैं रोटी वर्सेस राइस पे। दोनों में ही कार्ब्स हैं, सो एक अनप्रोसेस्ड वीट एंड राइस के ग्रेन में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मतलब कि इनका GI लो होता है। बट अब अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देंगे तो इनका GI भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम राइस के ऊपर से उसका हस्क रिमूव करके उसको वाइट राइस बना देंगे तो वो कॉम्प्लेक्स कार्ब से प्रोसेस्ड कार्ब बन जाएगा, जिसका GI थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और इसीलिए कहा जाता है कि ब्राउन राइस इज बेटर देन वाइट राइस। बट एट द सेम टाइम क्वांटिटी मैटर्स अ लॉट। अगर आप वाइट राइस को भी सही अमाउंट में खाओगे तो उसका कोई नुकसान नहीं है। जहां रोटी को हम काउंट करके खा सकते हैं, राइस को थोड़ा और करते हुए ओवर ईट कर जाते हैं। इनफैक्ट रोटी के केस में भी अगर हम माइंडफुल होके नहीं खाएंगे, जब तक मजा आ रहा है तब तक खाएंगे तो वो मजा सजा बन जाएगी। सो इट्स नॉट
ईटिंग राइस और ईटिंग रोटी, इट्स अबाउट ओवर ईटिंग राइस और ओवर ईटिंग रोटी। सो कल्प्रिट ना तो राइस है ना रोटी है, कल्प्रिट हमारी विल पावर है जो स्ट्रांग नहीं है, कल्प्रिट हमारा मन है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, कल्प्रिट हमारी फिटनेस के टुवर्ड्स कमिटमेंट है जो कि ऑनेस्ट नहीं है। सो इफ यू वांट टू लूज वेट द की इज टू हैव बिट ऑफ एवरीथिंग, किसी भी चीज को लाइफ से पूरी तरह एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है। रोटी एंड राइस दोनों को अगर आप एक लिमिटेड क्वांटिटी में लेते हो, साथ में एक्सरसाइज करते हो, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हो, तो वेट भी लूज होगा एंड ओवरऑल यू विल फील मोर फिट। अब इसके अलावा राइस एंड रोटी में से आपको क्या चूज करना चाहिए वो कुछ और चीजों पर डिपेंड कर सकता है, जैसे कि आपका रीजन। अगर आप एक ट्रॉपिकल एरिया में रहते हो जहाँ पे बचपन से आपको राइस खाने की आदत है तो राइस खाओ, अगर रोटी खाने का ट्रेंड है और लगता है कि खाना खाना मतलब कि रोटी तो रोटी खाओ, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर हेल्थ कंडीशन। जैसा मैंने बताया कि व्हाइट राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स वीट के कंपैरेटिवली हाई होता है, तो अगर आपको डायबिटीज है तो आपको व्हाइट राइस अवॉइड करने चाहिए। एंड लास्टली लिसन टू योर बॉडी, आई पर्सनली फील कि आपकी बॉडी से ज्यादा ये कोई नहीं जानता कि आपको क्या चाहिए, सो डोंट फोर्स योरसेल्फ टू ईट समथिंग विच यू डोंट लाइक और विच यू डोंट वांट टू ईट, बट जो भी खाओ उसको पोर्शन कंट्रोल करके खाओ। सो अब आपको क्या लगता है, आप राइस ईटर हो या रोटी ईटर, मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। और अब हम जानते हैं कि राइस एंड रोटी को खाने का सही तरीका क्या है, एंड आई विल ऑल्सो टेल यू माई सीक्रेट्स जिसकी हेल्प से मैंने राइस खा के भी वेट लूज किया। तो पहले अगर हम रोटी की बात करें तो पिछले कुछ टाइम से मैं लंच में रोटी ले रही हूँ, बट लेट मी टेल यू कैसे। और अगर आप होल व्हीट एंड मल्टीग्रेन रोटी को लेके कंफ्यूज होते हो तो चलो इसको भी यही सॉर्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि मैं इस केस में क्या करती हूँ। नॉर्मल व्हीट फ्लावर में सिर्फ व्हीट ग्रेन यानी कि गेहूं होता है, मल्टीग्रेन में बहुत सारे ग्रेन्स मिक्स्ड होते हैं जिसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, कोई प्रोटीन में ज्यादा है, किसी में फाइबर ज्यादा है, और इनमें से ज्यादातर ग्रेन्स का तो जीआई एंड ग्लूटेन व्हीट से भी कम है, विच मेक्स इट बेटर। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव मल्टीग्रेन रोटी इंस्टेड ऑफ व्हीट रोटी, बट मार्केट में जो मल्टीग्रेन आटा मिलता है वो प्रोसेस्ड होता है ताकि आपकी रोटी का टेक्सचर बेटर हो सके, वो ज्यादा सॉफ्ट बन सके। एक्चुअल में जो मल्टीग्रेन रोटी होती है उसका टेक्सचर थोड़ा फर्म होता है और वो उसका कलर व्हाइटिश की जगह ब्राउनिश होता है। सो आई विल टेल यू हाउ आई मेक माई मल्टीग्रेन रोटी एट होम। मैं जनरली मार्केट से अलग अलग ग्रेन्स खरीद के रखती हूँ एंड आटा रेडी करने वक्त थोड़ा थोड़ा सभी ग्रेन्स को ऐड कर लेती हूँ, कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं है, अपने अकॉर्डिंग कभी कोई ग्रेन ज्यादा तो कभी कोई। इससे डेली रोटी में एक नया टेस्ट भी आ जाता है और मुझे वैरायटी भी मिल जाती है। एंड लेट मी नो इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, हाउ टू मेक डिफरेंट मल्टीग्रेन रोटीज एट होम और उनके अलग अलग फायदे। सो ये तो है बात अब की, जब मैं अपनी वेट लॉस जर्नी पे थी आई यूज्ड टू हैव राइस, बट कौन से राइस और कैसे राइस। As we discussed, brown rice, जो कि unprocessed है, उसमें fiber ज़्यादा होता है, GI कम होता है, which is good. But यही fiber ज़्यादा होने की वजह से उसके अंदर present minerals हमारी body में ढंग से absorb नहीं हो पाते, so इसलिए यहाँ पे white rice is better. So as I said, listen to your body. फिर चाहे brown rice खाओ या white rice खाओ, मगर सही quantity में खाओ। मैंने अपनी weight loss journey में white rice consume किए थे, but I always used to measure them before I eat them. अब मेरे पास बहुत questions आते हैं कि क्या rice dinner में ले सकते हैं? Carbs आप लंच में लो या डिनर में, दैट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस, बट what मेक्स अ डिफरेंस इज इट्स क्वांटिटी, आप कितना ले रहे हो ये मैटर करता है। बट yes, इन जनरल आपका डिनर सोने से एटलीस्ट 2-3 hours पहले होना चाहिए, फिर चाहे वो सैलेड हो या फिर बिरयानी। अब क्योंकि मैं बार बार क्वांटिटी की, पोर्शन कंट्रोल की बात कर रही हूँ, सो लेट मी टेल यू कि मैं पोर्शन कंट्रोल कैसे करती हूँ। मैं कार्ब्स को छोटे यूटेंसिल में लेती हूँ, जैसे कि राइस को मैं छोटी कटोरी में लेती हूँ। जनरली हम राइस को एक बड़ी प्लेट में डालते हैं और साथ में दाल या सब्जी एक छोटी कटोरी में लेते हैं। हाउ अबाउट राइस को छोटी कटोरी में लें और सब्जी को एक बड़े बर्तन में लें? एक इतनी सी हैबिट हमारे न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करने में हेल्प करेगी एंड वेट लॉस भी जल्दी होगा। और अगर आपको वेट लूज करने के लिए डाइट प्लान की रिक्वायरमेंट हो तो उसके लिए आप मेरे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो, जिसके अंडर मेरे सर्टिफाइड डाइटिशियंस आपको आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डाइट प्लान बना के देंगे। एवरी वीक काउंसलिंग होगी, व्हाट्सएप सपोर्ट के साथ साथ वीडियो गाइडेड वर्कआउट प्लान भी दिया जाएगा। प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए आप मेरी वेबसाइट gunjanshouts.com पे जा सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपनी खुद की वेट लॉस जर्नी के बाद मैंने स्पेशली इस प्रोग्राम को आप लोगों के लिए डिजाइन किया है ताकि आप भी अपने फिटनेस गोल्स को अचीव कर पाओ। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई है, अगर काम की लगी हो तो लाइक जरूर करना। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। मेरे साथ पर्सनली कनेक्टेड रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम गुंजन शाउट्स पे फॉलो कर सकते हो। फिट रहो, हिट रहो।